Hi guys, today we are going to study special xerophytic plant. Two type of categories comes in this. First one is epiphytes, second one is halophytes. So first we will study about epiphytes plants. After this we will study halophytes plant. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीरोफिटिक प्लांट होते क्या है। तो जीरोफिटिक प्लांट वो जो जल की कमी में ग्रो करते हैं उन जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। अब आपको ड्राइनेस पता होगी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती है तो उसे ड्राइनेस बोलते हैं। दो टाइप के आपको ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, एक तो फिजिकल ड्राइनेस, दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजिकल ड्राइनेस जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, वहाँ पर रियलिटी में पानी नहीं है, भूमिगत जो पानी है वो उसकी गहराई बहुत नीचे तक है, तो उससे बोलते हैं फिजिकल ड्राइनेस। और एक होती है फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस, जो कि आपके वाटर लॉक्ड एरिया हैं, स्वैम्प एरिया हैं, दलदली, जैसे भारत में पश्चिमी बंगाल की साइड में जो सुंदरबन के जो डेल्टा हैं वहाँ पर फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस है। वहाँ वाटर है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं प्लांट, तो उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होगी। तो हेलोफाइट्स प्लांट होते हैं वो दलदली इलाकों में होते हैं, इसलिए उन्हें फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस बेयर करनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। जबकि जो आपके हैं एपिफाइट्स प्लांट हैं वो जल की कमी वाले स्थान पे उगते हैं, इसलिए उन्हें फिजिकल ड्राइनेस बेयर करनी पड़ेगी। तो एपिफाइट्स प्लांट्स देखते हैं सबसे पहले किस क्या होते हैं। तो ये वृक्ष की छालों में या फिर उनकी दरारों में ग्रो करते हैं। आपको ये पैरासिटिक प्लांट लग सकते हैं लेकिन ये टोटली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद का जो भोजन है खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए ना ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम बात करें इनके हैबिटेट की, तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में मिलते हैं, जहाँ पे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो ये राजस्थान में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में ह्यूमिडिटी नहीं है। यहाँ पे सीजनल ह्यूमिडिटी मिलती है रेनी सीज़न में, लेकिन इन्हें 12 मंथ ह्यूमिडिटी चाहिए। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं या फिर भूमध्य रेखा के आसपास के इलाकों में ग्रो करते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो पश्चिम बंगाल है और असम है, मेघालय है, अंडमान निकोबार वाले इलाकों में ग्रो करते हैं। अब इनके एडेप्शन की बात करें, स्पेशल एडेप्टेशन क्या मिलता है इनमें जब इस टाइप की कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं, तो इनकी रूट में स्पेशल एडेप्टेशन मिलता है। इनकी रूट में हेटेरोराइजी मिलती है, यानी कि दो टाइप के आपको रूट मिलेंगी, जो एक एनाटोमी में एग्जांपल में आप देख सकते हो डायग्राम में। दो टाइप की रूट हैं, फर्स्ट वन होती है क्लैस्पिंग रूट, दूसरी होती है हैंगिंग रूट्स। तो सबसे पहले देखते हैं क्लैस्पिंग रूट क्या होती है। तो क्लैस्पिंग रूट है जो आपके एपिफाइट प्लांट है उसे बेस देंगी किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो करने के लिए, एक सस्पेंस, एक सहारा देंगे, ठीक है, ताकि वो ग्रो कर सके। तो एक तरह से बेस दे रही हैं क्लैस्पिंग रूट। दूसरी होती है हैंगिंग रूट्स। तो हैंगिंग रूट से ये स्पेसिफिक हैं, अगर आप एनाटोमिकल डायग्राम में जाके देखेंगे या फिर ग्राफिकल डायग्राम में देखेंगे, तो आपको इनकी एपिडर्मल में आपको एक स्पेसिफाइड टिशू देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं वेलामेन। वेलामेन एपिडर्मल टिशू है, और इनकी जो इस रूट की जो एपिडर्मिस होती है वो कैसे होती है, मल्टी लेयर्ड होती है और मोटी भित्ती की सेल से मिलके बनी होती है, तो इन्हें बोलते हैं आप वेलामेंट टिशू, ठीक है। तो ये इसमें स्पेशल, इसमें एक और स्पेशल थिंग्स होती है कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी को एब्सॉर्ब करता है, ताकि आपकी जो वाटर की पूर्ति है वो हो सके। तो हाइग्रोस्कोपिक होता है आपका वेलामेंट टिशू, जो कि एपिडर्मल है और मल्टी लेयर्ड है, मोटी भित्ति की सेल से मिलके बना होता है। दो टाइप के आपको रूट देखने को मिल रही हैं, क्लैस्पिंग और हैंगिंग रूट। वेलामेंट किस में है, हैंगिंग रूट्स में, और हैंगिंग रूट्स की जो एपिडर्मल है वो कैसी है, मल्टी लेयर्ड। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आर्किडेसी कुल के प्लांट हैं, जैसे आर्किड्स है, वांडा है, तो ये इसके एग्जांपल हैं एपिफाइट्स के। दूसरा आता है आपके डिस्चिडिया, जैसे आप बोलते हो पिचर प्लांट, या इसमें जो लीप्स हैं मॉडिफाई होकर एक पिचर घड़े जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो कि रेनी सीजन में होने वाले वाटर को एब्जॉर्ब कर फिल कर लेता है और इसे फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। तो टोटली ऑटोट्रॉफ प्लांट हैं, आप पैरासिटिक प्लांट आप नहीं मान सकते, आपको लग सकते हैं
क्योंकि दूसरे प्लांट पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उस प्लांट से ना तो ये पानी लेते हैं, नहीं भोजन लेते हैं। इट्स टोटली ऑटोट्रॉपिक प्लांट। टू टाइप ऑफ एडेप्टेशन यू सन नीड टू नो। मोस्टली एडेप्टेशन कम्स हैपन्स इन रूट्स। टू टाइप ऑफ रूट यू नीड टू नो, फर्स्ट वन इज क्लैस्पिंग, सेकेंड वन इज हैंगिंग। सो इट विल बी ऑल फोर एपिफाइट्स प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेलोफाइट्स।